अनूपपुर जिले में जहां एक तरफ गोबर से बनी मूर्तियां व अन्य चीजें जो गोबर से बनी हैं की मांग बाजार में बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ इस काम में लगे लोगों को रोजगार भी मिला है और ग्रामीण जो शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं उनके लिए निश्चित ही यह नवाचार रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। यह काम करने वाले लोगों का कहना है कि इससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई है, वो 4 से 5 हजार रुपए महीने अभी इससे कमा ले रहे हैं। पीओपी की मूर्तियां आना बंद होने के बाद अब देश में बनी ही मूर्तियां बाजार में पहुंच रही हैं, जिससे मूर्ति बनाने वाले मजदूरों को रोजगार मिल रहा है और मूर्ति बनाने वाले लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जैथरी तहसील क्षेत्र के ग्राम अंजनी स्थित प्रज्ञा मंडल गौशाला संस्था की पहल पर यहां की गंगा आजीविका स्व सहायता समूह द्वारा इस वर्ष गोबर की मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया गया है। इन मूर्तियों की अच्छी मांग भी बनी हुई है। प्रज्ञा मंडल के संचालक भारत राठौर ने बताया कि संस्था गायत्री परिवार से संबंधित है और गौशाला का संचालन करती है। गाय की हर वस्तु पवित्र और उपयोगी है। गाय के गोबर से मूर्तियां बनाने का नवाचार शुरू किया गया। गंगा आजीविका स्व सहायता समूह की 5 महिलाएं सदस्यों द्वारा इन मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। जुलाई माह से मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू किया गया है। विभिन्न डिजाइन में यह मूर्तियां तैयार की गई हैं। मूर्तियां बनाने में गोबर, तुलसी, गंगा जल, मौली धागा और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है ताकि मूर्तियां आकर्षक लुक में नजर आएं। मूर्ति निर्माण के दौरान गायत्री मंत्र से इन्हें अभिव्यक्त भी किया गया है। स्व सहायता समूह के 2 सदस्य श्रीमती इंद्रावती राठौर और कुमारी शालिनी राठौर ने नागपुर गायत्री परिवार से गोबर से बनी वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब यह महिलाएं स्थानीय स्तर पर स्वदेशी मूर्तियों का निर्माण कर रही हैं। संस्था का पहला वर्ष और पहला प्रयास है। करीब 400 मूर्तियां बनाई गई हैं। गोबर से बनी मूर्तियों की बात करें तो बाजार में उपलब्ध अन्य मूर्तियों की तुलना में इनके दाम भी कम हैं। बता दें यह संस्था पर्यावरण को देखते हुए पूरी तरह इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की गई हैं। अनूपपुर जिले सहित शहडोल जिले में यहाँ मूर्तियाँ बाजार में उपलब्ध कराई गई हैं। हमारे गौशाला में गंगा आजीविका स्व सहायता समूह के साथ मिल करके गाय के गोबर, गौमूत्र, इनसे हम कई तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हमने जो भी सामग्रियाँ तैयार किए हैं इनके मांग बड़े बड़े शहरों से, कई जगह से, अभी हमने कुछ सामग्री नागपुर भेजा है, उसके बाद मुंबई से, भोपाल से हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और भारी मात्रा में उनको वहाँ पर भेजने का तैयारी। प्रेजेंट में गणपति भगवान के सुंदर मूर्तियाँ तैयार किए गए हैं जो पीओपी और मिट्टी से हट करके उसका जो महत्व है वह बहुत ही सराहनीय है। जिसमें अभी तक हम लोग रक्षाबंधन की तैयारी में थे, राखी का काम किए तो राखी तैयार करें, उसके बाद हम लोग अभी गणेश जी का मूर्ति तैयार किए हैं। कुछ मूर्तियां तो हम लोग का निकल गया है और कुछ बचे भी हैं, वो भी उनकी भी तैयारी है, पहुंचाएंगे जहां तक मांग है वहां तक। और अभी तो दीपावली की तैयारी कर रहे हैं जहां हम लोग दिया, डिजाइनर दिया और सिंपल दिया भी तैयार है और मांग बहुत ज़्यादा है तो वहां कम से कम 3-4 लाख दिए मांग कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ गंगा स्व सहायता समूह सदस्य हूँ जहाँ हम लोग गौशाला में हम लोग गोबर के उत्पाद बना रहे हैं। मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है और पार्ट टाइम मैंने जॉब भी यहाँ कर रही हूँ, जिसमें मेरा इनकम भी हो रहा है 4000 मंथली का और इसमें से मेरा खर्चा भी चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे घर का भी खर्चा इसमें से चल रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के अनूपपुर से अजय मिश्रा की रिपोर्ट।